गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा, आई एम योर EVS टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम EVS में कर रहे हैं चैप्टर 26, यूनिट 11, एनवायरनमेंट अराउंड अस। इसका फर्स्ट टॉपिक एयर, जिसे हम रीड कर चुके हैं, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एयर, एयर मीन्स हवा। हवा क्या है? एयर इज फाउंड एवरीवेयर, एयर हर जगह पाई जाती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एयर नीड, वी नीड एयर टू ब्रीथ। हमें हवा सांस लेने के लिए चाहिए, ज़रूरत होती है हवा की, तो किस लिए? सांस लेने के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स और एनिमल्स को भी सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि एयर हमें हर जगह पाई जाती है, बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सच है। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। ओके, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे मम्मी पापा, हमारे जो भी हैं साथ में, हमारे जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको भी हवा की ज़रूरत होती है। बिना हवा के ये जीवित नहीं रह सकते। ओके, तो एयर हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर हमें सांस लेने में मदद करती है। ओके, अगर हवा नहीं है तो हम जी नहीं सकते, हम सांस नहीं ले सकते। ओके, और एयर को हम देख नहीं सकते। सबसे पहला पॉइंट है, एयर को हम देख नहीं सकते, एयर को सिर्फ महसूस किया जाता है। आप लोगों को मैंने एक सेंस ऑर्गेन पढ़ाया था, हमारा पिछला चैप्टर था सेंस ऑर्गेन, जिसके अंदर हमने स्किन का सेंस ऑर्गेन पढ़ा था कि स्किन हमारी सेंस ऑर्गेन है, जिसमें स्किन क्या करती है, फील करती है। तो जो एयर है, जब वो चलती है तो हमारी वो स्किन को टच करती है, जब वो स्किन पर आती है तो वो स्किन हमारी उसको फील कर रही है कि हाँ हवा चल रही है। ओके, तो एयर को क्या किया जाता है, फील किया जाता है और देखा नहीं जा सकता। एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। एयर जगह घेरती है, एयर में वजन होता है। काइट्स, बैलून्स एंड बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। पतंग हो गए हमारे, बैलून्स, गुब्बारे हो गए, पक्षी हो गए, ये हवा में एयर से ही उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। ओके, तो जो हमें यहाँ बताया है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर में स्पेस, एयर जगह को घेरती है, ये बिल्कुल सच है। फॉर एग्जांपल आप बैलून ही ले लीजिए, जब एक बैलून हमारे पास बिना फूला हुआ होता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं तो हवा उसमें अपनी जगह बनाती है, जैसे ही वो अपनी जगह बनाती है बैलून फूलने लगता है। वो और हम उसमें हवा भरेंगे तो वो और फूलेगा। अगर उसमें उसकी लिमिट से ज़्यादा जगह भर जा हवा भर जाती है तो फट जाता है। ओके, तो मतलब एयर क्या है, एयर जगह बनाती है, एयर जगह को घेरती है। हैज़ वेट, एयर में वेट भी होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमारा टॉपिक है वाटर। वाटर इज लाइफ, वाटर जिंदगी है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। पानी हमें बहुत से सोर्सेज से मिलता है, पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, रिवर, नदी, लेक, झील, वेल, कुआं, पॉन्ड, तालाब, सी, समुद्र, रेन, बारिश, इनसे हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। ओके, इन्हीं सभी से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। पानी इन्हीं के थ्रू हमारे घरों में आता है, रिवर के, नदियों के द्वारा पानी हमारे घरों में आता है। वही पानी हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं, उन्हें पीते हैं पानी को, उसी से नहाते हैं, उसी से जो भी हमारा पानी से काम होता है वो हमें इन्हीं सोर्सेज से मिलता है, तब हम उनको यूज़ करते हैं। ओके, वाटर इज़ नीडेड फॉर, पानी की ज़रूरत हमें क्यों होती है, कहाँ होती है, तो देखिए ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। बाथिंग, नहाने के लिए ज़रूरत है। वाटरिंग प्लांट, पौधों को पानी देने के लिए। वॉशिंग, धोने के लिए।
बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर को साफ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। अगर पानी नहीं होगा तो हम पानी पी नहीं पाएंगे। सेकंड, खाना नहीं बन सकता, घर की सफाई नहीं हो सकती, कपड़े नहीं धुल सकते, नहा नहीं सकते। तो पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स, जानवर और पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। जिस तरह इंसानों को पानी की ज़रूरत है, वैसे ही जानवरों को भी और पौधों को भी पानी की ज़रूरत है। बिना पानी के वो भी जीवित नहीं रह सकते। आज हमने एयर और वाटर टॉपिक अपना क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।